अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने वाली हूँ मेयोनीज चिकन सैंडविच। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेंगे। 250 ग्राम मैंने यहाँ चिकन यूज़ किया, मैंने ब्रेस्ट का पार्ट यूज़ किया है और इसे उबाल कर और श्रेड करके रखा है। और उबालते वक्त मैंने इसमें एक चुटकी भर नमक डाला था, आधा कप मेयोनीज, ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने कुछ, जिसके चारों कोने मैंने कट कर दिए हैं, एक प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है, उसमें मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्चें यूज़ की है। आप अकॉर्डिंग आपके टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून तेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे जो हमारा पेस्ट है अदरक और मिर्ची का। इसे 30 सेकेंड के लिए फ्राई करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हमें प्याज को एटलीस्ट तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और जीरा पाउडर। और ध्यान रखिएगा कि हम इसमें नमक कम ही ऐड करें, क्योंकि हमने उबालते वक्त भी नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे 1 मिनट तक फ्राई करते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं चिकन, जिसको मैंने श्रेड करके रखा था। ऐसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दी हूँ और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब एक दूसरे पैन पे हम ब्रेड के स्लाइस रख देंगे और इसे टोस्ट करेंगे। इसे 2-2 मिनट तक टोस्ट करना है दोनों साइड, ताकि अच्छे सा कलर आ जाए इस पर गोल्डन। अब जो चिकन का मिक्सचर था उसमें मैं ऐड करूंगी मेयोनीज। अब इसको मिक्स कर देती हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। और इसे डालने के बाद भी मैं अच्छे से पूरी तरह मिक्स कर दूंगी। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेकर इस पे जो चिकन और मेयो का मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे, इसे कवर कर देंगे। और इसी तरह बाकी के सारे सैंडविचेस हम बनाएंगे। इसे मैंने बीच में से कट कर दिया है और एक टूथपिक की हेल्प से इसे मैं सिक्योर कर लूंगी। तो मेरा मेयोनीज चिकन सैंडविच तैयार है। मैंने कुछ क्यूकुम्बर के स्लाइसेस के साथ इसे सर्व किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।